तो टूरिज्म फाइनेंस इसके चार्ट पर राय ली जाए, और राय इस हिसाब से दीजिएगा किरण कि 68-69 रुपए के आसपास खुल जाए तब क्या करें, क्या वहां भी खरीदना चाहिए? अनिल जी, पिछले दो दिनों से करीबन 45 से लेके अगर 68-69 लेवल्स खुलता है तो बहुत डिफिकल्ट होगा नए बाय करने के लिए, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं रहेगा। और वापस एक बार हमने देखा है कि करीबन लास्ट टाइम जुलाई 2015 और अगर देखते हैं जनवरी 2016, ये हाई के लेवल्स है, तो रेजिस्टेंस है। तो मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे बाय नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा रिट्रेस होने दो, उसके बाद रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल हो जाएगा तभी बाय करने की सलाह होगी। अच्छा ये बताइए, एक सेक्टर जो हर रोज अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है वो है टायर सेक्टर, इस सेक्टर में कौन सा स्टॉक आपको लगता है और ऊपर जा सकता है? सीएट, जेके टायर, इवन अपोलो टायर, ये तमाम शेयर हैं जो अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए दिख रहे हैं किरण। मेरे लिए जी 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 किरण, आप ही के लिए किरण। टायर क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि जेके टायर ने कल बहुत अच्छे रेंज से बाहर निकला हुआ है, तो इधर से अगर जेके टायर निकलता है तो मुझे लगता है कि और भी अपसाइड देखने को मिल जानी चाहिए, अभी भी बाय करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस करीबन 150 का रखना चाहिए, 153 का क्लोज था कल, और इधर से मुझे लगता है कि इजीली 165-168 के लेवल अगले दो तीन ट्रेडिंग सेशंस में आपको जरूर देखने को मिल जाने चाहिए। ओके।